हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे जिसका शीर्षक है श्रद्धा क्रय विभाग योग, है ना। तो यहाँ पे योग यानी भगवान से जुड़ना और किस तरीके से श्रद्धा भाव से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, आइए थोड़ा सा हम देखेंगे श्रद्धा के विभाग। 17.1 में सबसे पहले श्लोक अर्जुन की तरफ से कहा गया है ना। तो यहाँ पे अर्जुन की तरफ से जो श्लोक कहा गया है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मूत्र सिजया यजन्ते श्रद्धा श्रद्धयान वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो रजस्तमः। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा पाठ करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है या वो तमोगुणी है। तो अर्जुन सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, हे माधव, ऐसे जो लोग शास्त्रों में लिखित चीजों के नियमों का पालन नहीं करके अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, शास्त्रों से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो भगवान तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान को कि प्रभु ये बताइए कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा पाठ करते हैं वे लोग कैसी स्थिति में है, वे लोग सात्विक पुरुष हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से प्रश्न पूछते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि राम स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रीनो। भगवान कहते हैं देहधारी जीव अर्जित गुणों के अनुसार अपनी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से जितने भी जीव है, जितने भी देहधारी हैं, है ना, उनके गुणों के अनुसार हर इंसान में सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि एक समय में कोई एक गुण प्रधान होता है। तो जितने भी देहधारी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब में कोई ना कोई गुण प्रधान होता है। उसी प्रकार से उनकी श्रद्धाएं भी होती हैं। अगर कोई सात्विक पुरुष है तो उनमें श्रद्धा अलग होगी, कोई अगर राजसिक पुरुष है उसकी श्रद्धा अलग होगी, कोई तामसिक पुरुष है उसकी श्रद्धा अलग होगी। इस बारे में भगवान कहते हैं कि अब इस विषय में मुझसे सुनो हे अर्जुन। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, 17.3 में भगवान कहते हैं हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अलग अलग गुणों के अंतर्गत अलग अलग गुण होते हैं अलग अलग मनुष्यों के, किसी के सात्विक, किसी के राजसिक, किसी के तामसिक, उसके अनुसार मनुष्य की अलग अलग तरह की श्रद्धा होती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव की विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जैसा जीव का गुण रहता है, जैसा जीव रहता है ना, जैसा जीव का व्यवहार रहता है, जैसा जीव का भाव रहता है, उसी हिसाब से हर व्यक्ति की श्रद्धा भी अलग अलग होती है, है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अलग अलग गुणों के अनुसार मनुष्य की श्रद्धा अलग अलग होती है और अपने द्वारा अर्जित जो गुण है उसी अनुसार ही जीव उसी विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। आगे भगवान क्या करते हैं 17.4 में, यजन्ते सात्विका देवान शरशांशी राजसः प्रेतान भूत गणाम सचान्ये यजन्ते तामसः जनाः। भगवान कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो यक्षों या राक्षसों की पूजा किया करते हैं, है ना, और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं, जैसे आप जानते होंगे तांत्रिक वगैरह लोग, है ना। तो ये सब तमोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी जो यक्षों या राक्षसों की पूजा किया करते हैं और जो सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा किया करते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 516 में भगवान कहते हैं जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होकर होते हैं, जो मूर्ख तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हुए असुर कहे जाते हैं, तो ऐसे सभी लोग, जैसे हमने बताया था कि क्या, हमने आपसे पूछा था क्या ये योग है, ये योग नहीं है, ये एक शारीरिक क्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देकर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान यही कहते हैं जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, ये सारी चीजें शास्त्र में नहीं है।
ये सारी चीजें शास्त्र में नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो लोग दंभ के कारण अहंकार सास विदुत कर्म करते हैं, चाहे कोई भी कठोर तपस्या हो, व्रत हो, है ना, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जिनकी कोई इच्छा होती है कि ये तपस्या करके, ये चीज करके हमें कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे शक्ति चाहिए, चाहे कोई ना कोई एक लक्ष्य को पूरा करना होता है ना, जिसमें भगवान को पाना लक्ष्य नहीं होता, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को कष्ट पहुंचाते हैं और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोग असुर योनि में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, ये व्यक्ति किस तरीके से अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, रावण का आपने देखा था किस प्रकार से उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, है ना, तो ये भी एक मूर्खतापूर्ण काम है। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक व्यक्ति ये है, अपना शरीर, अपना सिर जो है मिट्टी के अंदर डाला हुआ है, और ये हिरण्यकश्यप जो अपना शरीर आधा से ज्यादा गला दिया था सिर्फ और सिर्फ शक्तियां पाने के लिए। तो इस तरीके के लोग जो शास्त्र विरोध कर्म करते हैं ना, तो और जो शास्त्र विरोध कर्म करते हैं और जिनके मन में कोई ना कोई आसक्ति होती है, काम होती है, काम वासना होती है, तो जो मूर्ख है, ऐसे लोग मूर्ख कहे जाते हैं, और ऐसे लोग शरीर के भौतिक तत्वों को कष्ट देते हैं, परमात्मा को कष्ट देते हैं, है ना, तो इस तरीके के लोग असुर कहे जाते हैं, भगवान ऐसा करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सात्विक होते हैं ना, जो सत्वगुण के व्यक्ति होते हैं, वे कैसा भोजन करते हैं? वे ऐसा भोजन करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो, जो जीवन को शुद्ध करने वाला हो, जो बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला हो। ऐसा भोजन रस से युक्त होता है, स्निग्ध होता है, लाभदायक होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, और हमारे दिल के लिए, हृदय के लिए बहुत भाने वाला होता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को यह कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान मुझको अर्पण करके भोजन करता है, वो सारे भोजन जो रसमय हो, स्वास्थ्यप्रद हो, हृदय को भाने वाले हो, ऐसे भोजन सात्विक कहे जाते हैं। दूसरा, अत्यधिक तीखा, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसे सारे भोजन जो जैसे ज्यादा खट्टे हो, नमकीन हो, गर्म हो, चटपटे हो, है ना, तो जलन उत्पन्न करने वाले, जिसको खा के पेट में जलन उत्पन्न होती हो, है ना, और जिसको खा के गले में जलन उत्पन्न होती हो, ऐसे जो वाले, ऐसे भोजन जो है वो सब रजोगुणी व्यक्ति को पसंद होते हैं। और ऐसे भोजन ऐसा करने से, क्योंकि हमारे पेट में जब जलन होगी तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, पेट के संबंधित रोग होते हैं, तो ऐसे भोजन रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, शोक उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि 3 घंटे से पूर्व, जैसे अगर आप अभी भोजन कर रहे हो तो 3 घंटे से पहले अगर आपने पकाया है तो उसको नहीं खाना चाहिए। स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो, वियोजित, सड़ा हुआ, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक लोग होते हैं। 3 तरह के प्रभु ने भोजन बताए, पहले जो जीवन को बढ़ाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है, ऐसा भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। जो थोड़ा खट्टा होता है, नमकीन होता है, चटपटा होता है, जो जलन उत्पन्न करने वाले भोजन होते हैं, ऐसे भोजन राजसिक पुरुष को प्रिय होते हैं। और 3 घंटे से पूर्व पकाया गया भोजन जो ग्रहण करता है, जो स्वादहीन, सड़ा हुआ, जूठा भोजन खाता है ना, ऐसे भोजन तामसिक पुरुष को प्रिय होते हैं, ऐसा प्रभु यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो यज्ञों में कौन सा यज्ञ सात्विक होता है? वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार, शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है ना? और किन लोगों के द्वारा किया जाता है? जो फल की इच्छा नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ कर रहे हैं कि हाँ हमको ये फल की इच्छा है, ये मेरा पूर्ण हो जाए, ये हम काम कर रहे हैं, ये फल की इच्छा है, ये मेरा पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं। जिनको कोई फल की इच्छा नहीं है, जो सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर यज्ञ करते हैं, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो।
लेकिन अगर किसी भौतिक लाभ के लिए किसी कोई यज्ञ किया जाता है, कोई हवन किया जाता है, कोई पूजा की जाती है, तो ऐसा यज्ञ ऐसा पूजा राजसिक होता है। फिर भगवान कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना कर, है ना, शास्त्रों में जो लिखा है उसको ना मानकर, बिना प्रसाद वितरण के, बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए, बिना पुरोहित यानी पंडितों को दक्षिणा दिए हुए, और बिना श्रद्धा के, कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, ऐसा यज्ञ तामसिक कहा जाता है। तो तीन प्रकार के यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसिक, तामसिक। जो व्यक्ति अगर यज्ञ करता है बिना किसी फल की इच्छा के, तो वो सात्विक यज्ञ है। जो व्यक्ति किसी फल की इच्छा के साथ यज्ञ करता है वो राजसिक है। और जो बिना श्रद्धा के यज्ञ करता है, जो प्रसाद वितरण नहीं करता, जो पुरोहित को दान दक्षिणा नहीं देता, ऐसे व्रत जो है, ऐसा यज्ञ जो है तामसिक कहा जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम उतप उच्यते। भगवान कहते हैं, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना चाहिए, है ना, और पवित्रता यानी प्योरिटी, सरलता, काम, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या एक सात्विक पुरुष की गुण होते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 15 में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय भयसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? सच्चे, भाने वाले वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जिससे किसी के हृदय को कष्ट न पहुंचे, कभी किसी को दुख पहुंचाने वाले वचन न बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ऐसे जो तपस्या है वो एक वाणी की तपस्या होती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की तपस्या क्या है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, खुद में संयम और जीवन की शुद्धि, ये क्या है? ये सब मन की तपस्या है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 17 में, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त तत्री विधम नरे अफलांकान भिड़ियुक्तम भिड़ियुक्त है सात्विकम परीक्षते। भगवान कहते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले लोग, है ना, जो लोग भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते, जो लोग भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते लेकिन केवल परमेश्वर में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कही जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिना किसी इच्छा के यहाँ पे वृंदावन परिक्रमा चल रही है ना, वृंदावन परिक्रमा चल रही है, यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा चल रही है, यहाँ पे मायापुर परिक्रमा चल रही है। तो ये तीनों जगह जहाँ पे बिना किसी इच्छा के सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर प्रभु के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए सभी लोग एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिना कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, हाँ, आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, है ना, और प्रभु तक पहुंचने के लिए ये जो भी भक्ति करते हैं, है ना, जो भी श्रद्धा से भक्ति करते हैं वो हमको करना चाहिए, और ऐसी तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदी प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। भगवान कहते हैं, जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी है। तो भगवान कहते हैं कि जो तपस्या दम्भ पूर्वक या सम्मान पाने के लिए, मैं ये यज्ञ करा रहा हूँ, मेरा सम्मान करो, मैं इतना धनवान हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये अहंकार जो व्यक्ति के अंदर होता है और बिना किसी श्रद्धा के, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना दिखाने के लिए कि हाँ कि हम भी यज्ञ करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसे अगर कोई व्यक्ति संपन्न करता है वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। ऐसे तपस्या वह ना तो स्थायी होती है न शाश्वत, है ना, टेम्पररी होती है और कभी रहने वाली नहीं होती, है ना, कभी स्थायी होती नहीं है ऐसी तपस्या। फिर आगे भगवान कहते हैं,
मूढ़ ग्राहेणात्म मनो यत पीड़या क्रियते तपः प्रस्योत्साधनार्थं वा तत्तामस मुदाहृतम्। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे कहते हैं मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तामसी कहलाती है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसी तपस्या, पहले के लोग जो तपस्या करते थे शक्ति प्राप्त करते थे कि मैं मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कोई मुझे मार ना सके, है ना। जैसे हिरण्यकश्यपु का था कि मैं अंदर ना मरू ना बाहर ना मरू, मैं ऊपर मरू नीचे मरू दाएं मरू बाएं मरू, ना दाएं मरू ना बाएं मरू, ना किसी अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना किसी देवी से मरू ना देवता से मरू, ना मनुष्य से मरू ना पशु से मरू। ये सारी चीजें हिरण्यकश्यपु ने मांगी थी। उसके बाद क्या किया, पूरे विश्व को कष्ट देना शुरू कर दिया, है ना, कि मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, ऐसा सोचता था। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा पूर्ति के लिए या ऐसी चीजें की पूर्ति के लिए जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे, जिससे लोगों को दुख पहुंचे, है ना, ऐसी चीजों के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने के हेतु अगर कोई व्यक्ति तपस्या या पूजा पाठ करता है ना, तो ऐसा जो तपस्या होता है तामसिक कहा जाता है, जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, ऐसा तपस्या करने वाला तामसिक तपस्या कहा जाता है, ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। फिर आगे श्लोक नंबर 20 में भगवान कहते हैं दातव्यमिति यद्यानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्। भगवान कहते हैं जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह दान वह सात्विक माना जाता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन अब दान के बारे में मुझसे सुनो, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी आशा के समुचित काल यानी समय और स्थान जानकर और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, अगर जो जिसके लायक है अगर उसको चाहिए तो ही हम दे, ऐसा नहीं कि अगर वो योग्य नहीं है तो भी हम उसको दान दे दे, दान देना कर्तव्य है। लेकिन किस व्यक्ति को दान दिया जा रहा है, किस समय दान दिया जा रहा है, किस दिन दान दिया जा रहा है ना, उसके अनुसार, उसके अलावा बिना किसी आशा के, ऐसा नहीं कि हम दान दे रहे हैं तो हमको भी इससे कुछ लाभ होगा, बिना किसी आशा के और अपना कर्तव्य समझ कर कि ये जो हमारे पास है अब उससे ज्यादा अगर भगवान ने हमको दिया है तो हमें उसको दान करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है ना, ये मेरी कर्तव्य है, कोई मुझे बताएगा नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। हमें बिना किसी आशा के समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, ऐसा दान सात्विक माना जाता है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने बहुत सारा दान किया था, है ना, बहुत ज्यादा दान किया था, कई गायों को दान किया था, है ना, गौ दान बहुत किया था नंद बाबा ने, है ना। तो यहाँ पे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इन्होंने किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के जन्म की खुशी में, है ना, तो अपना कर्तव्य समझकर सभी लोग को इन्होंने दान किया था। तो भगवान यही कहते हैं भगवान कि जो भी दान कीजिए बिना किसी इच्छा के कीजिए, बिना किसी आशा के कीजिए, जब ये दान आप करते हैं तो सात्विक दान कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्। भगवान कहते हैं किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो दान किसी आशा से किया जाता है, किसी फल की इच्छा से किया जाता है या जबरदस्ती किया जाता है तो ऐसे दान राजसिक कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आजकल जो है कोरोना पीरियड में लोगों की मदद करने के बहाने लोग एक दूसरे की फोटो खिंचवाते हैं कि हाँ हम देखिए कितनी मदद कर रहे हैं, कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं, जबकि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से हम दान दे तो दूसरे हाथ को मालूम ना चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो दान लोग कैसे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ हम भी इतना मदद कर रहे हैं, हम भी ये मदद कर रहे हैं, हम भी ये मदद कर रहे हैं। तो दान अगर दे तो ऐसा दे किसी को मालूम ना चले, है ना। लेकिन लोग देख रहे एक व्यक्ति किस तरीके से छोटी सी थैली पकड़ा के सेल्फी खिंचा रहा है कि हाँ हम ही ने इसको दान किया, मेरे ही कारण इसको भोजन मिल रहा है, ऐसा यानी इसकी इच्छा है कि हम फेमस होने की, थोड़ा पॉपुलर होने की, इसकी इच्छा है कि लोग हमको जाने कि हमने दान किया है, हमने मतलब कि इच्छा के कारण, अहंकार के कारण, दम के कारण इसका ये जो दान है वो राजसिक दान में आ जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं अदेश काले यद्यान मपात्रे भय सच्च दीयते असत्कृत्य मवज्ञातम तत्तात्मस मुदाहृतम्। भगवान कहते हैं तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। जब भी हम दान दें तो हमेशा आदर सत्कार के साथ दान देना चाहिए, उचित काल में देना चाहिए, सही समय क्या है दान देने का, किसको दान दे रहे हैं, क्या वो इस दान ही योग्य भी है कि नहीं, क्या उस दान लेने का नाटक तो नहीं कर रहा है ना, और किसको दान दे रहे हैं, कहीं वो दान लेके कोई उल्टा सीधा काम ना करे, क्योंकि अगर हम दान किसी को देते हैं और वो अगर कुछ और गलत काम करता है तो उसका कुछ पाप हमको भी लगता है, इसलिए तो हम जब जिसको दान दे
थोड़ा सा देख ले कि आखिर वो जिसको हम दान दे रहे हैं क्या वो उसके योग्य है, क्या ये सही समय है दान करने का, या आदर सत्कार के साथ हम दान दे रहे हैं कि नहीं, या कहीं दान किसी अपवित्र स्थान पे, इम्प्योर स्थान पे, इम्प्योर प्लेस पे तो नहीं दे रहे हैं, है ना, किसी अनुचित स्थान पे तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखना अति आवश्यक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति दान मांग रहा है किसके लिए, किसके लिए, नशा करने के लिए, वीड, यानी इसको नशा करने के लिए दान चाहिए। अब इसको दान देना क्या योग्य है क्या, नहीं है ना। तो यही कहा गया है भगवान के द्वारा कि हमेशा योग्य व्यक्ति को सही समय में, सही टाइम पे, सही डे पर और एक प्योर प्लेस पे दान देना चाहिए, इम्प्योर प्लेस पे नहीं, ऐसा अपवित्र जगह पर नहीं, हमेशा पवित्र स्थान पर हमें को दान दक्षिणा करना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, सृष्टि के आदि काल से ओम, तत्, सत, ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम ऋग्वेद का है ना, तत्, सत, शांडोग्य उपनिषद से आया है। तो भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि काल से, जब सृष्टि की स्टार्टिंग हुई थी तो उस समय से तीन शब्द यानी ओम, तत्, सत, ये तीन शब्द जो है सृष्टि के आदि काल से ही परब्रह्म को सूचित करते हैं। ये जो तीन शब्द हैं ओम, तत्, सत, है ना, सृष्टि के आदि काल से ही ये परब्रह्म को सूचित करते हैं, उसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं, है ना, जो ब्राह्मणों द्वारा और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय, जब भी कोई भी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है ना, कोई भी ब्राह्मण या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है उस समय ओम, तत्, सत, ये मंत्र का उच्चारण अवश्य करता है, तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय भी ओम, तत्, सत का प्रयोग किया जाता है। तो ओम, तत्, सत, जब सृष्टि स्टार्ट हुई थी तो उस समय ये तीन शब्द परब्रह्म के सूचित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। जब कोई भी ब्राह्मण अगर यज्ञ करते थे तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त होता था, ओम, तत्, सत। ठीक है, तो जैसा बताया गया फ्रॉम यही चीज इंग्लिश में लिखी कि स्टार्टिंग में ओम, तत्, सत, है ना, यूज किया जाता था, और कभी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, ये सारी चीजों में ओम, तत्, सत का प्रयोग किया जाता था। फिर आगे भगवान कहते हैं 17.24 में, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ अदैव सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों के शुरुआत में रखा गया है। तो अदैव यहाँ पे भगवान कहते हैं कि योगी जन, जो योगी जन है, जो लोग भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान को पाने की इच्छा करते हैं, भगवान को पाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, तो ऐसे लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार, तो जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, उस विधि के अनुसार जो दान करते हैं, तपस्या करते हैं, उन सब चीजों का शुभारंभ करते हैं, है ना, वो सदैव ओम से करते हैं। हमारे अलग अलग तरह के भगवान के भजन है ना, तो उन भजनों में भी हमेशा ओम से शुरुआत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओम जो शब्द है वो नारायण को इंगित करता है, भगवान विष्णु को इंगित करता है। ओम शब्द यानी ओम मतलब विष्णु, जब भी किसी भी भजन की शुरुआत ओम से होती है तो हमेशा वो भगवान विष्णु को इंडिकेट करता है। तो यहीं पे भगवान कहते हैं कि अतएव योगी जन जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, है ना, वो शास्त्र विधि का पालन करते हुए यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उन सारी क्रियाओं का शुभारंभ करते हुए सदैव ओम से करते हैं, हमेशा ओम से करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी भजन होते हैं वो सारे के सारे भजन ओम से प्रारंभ होते हैं। ओम हमेशा भगवान विष्णु को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना होता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि बिना कर्म फल की इच्छा किए अलग अलग तरह के यज्ञ करते रहे, तप करते रहे, दान करता रहे, और तत् शब्द, और जो भी काम करे, यज्ञ करे, तप करे, दान करे, तत् शब्द का प्रयोग करके उसको संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना चाहिए, न कि कोई भौतिक इच्छा होना चाहिए। प्रभु कहते हैं बिना कर्म फल की इच्छा किए, है ना, तो हमें यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, और जो भी करे तत् शब्द का उपयोग करके करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति होना चाहिए, इस भवबंधन से मुक्त होना चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 26 और 27 में, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे शत शब्द से अभिहित किया जाता है।
हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। तो भगवान कहते हैं कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य, भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य क्या है? परम सत्य है ना। और उसे कैसे अभिहित किया जाता है? सत्य शब्द का उपयोग करके अभिहित किया जाता है। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा यज्ञ करने वाला जो होता है, संपन्न करता है, जो यज्ञ को संपन्न करवाता है, वो भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ दान तथा तप के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। तो परम पुरुष यानी भगवान को प्रसन्न किए जाने के लिए जो भी यज्ञ किया जाता है, जो भी तप किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, ऐसे सारे चीजें सत्य कहलाती है। सत्य का अर्थ है शाश्वत, सत्य का अर्थ है शाश्वत। और ओम का अर्थ, जैसे हमने आपको बताया, ओम का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु को इंडिकेट करता है। सत का अर्थ है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। भगवान कहते हैं सत यानी शाश्वत, प्रभु की सेवा के लिए जो भी हम काम करते हैं वो सत्य को प्रकट करते हैं, है ना। इस तरह की गतिविधियों में जब भी हम प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, हम जो भी क्रिया करते हैं उसके प्रदर्शन को शाश्वत कहा जाता है। उसकी गतिविधि शाश्वत है और उसके लाभ भी शाश्वत है, उद्देश्य भी शाश्वत है, लाभ भी शाश्वत है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहा। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 28 में, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपतम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनोहि। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर ही है। तो भगवान कहते हैं जो भी तप या यज्ञ या दान किया जाता है श्रद्धा के बिना वह सत्य कहला, वह नश्वर कहलाता है, है ना। और भगवान आगे कहते हैं कि वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान कहते हैं बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, बिना श्रद्धा के किया हुआ दान, बिना श्रद्धा के किया हुआ तप जो भी है वो नश्वर है, उसका भी अक्षर नहीं रहता है, हमेशा नश्वर होता है, वो असत कहलाता है और ये जन्म में और अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है, कोई लाभ हमको नहीं पहुंचाता है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। फिर कुछ प्रभुपाद जी के शब्द हैं इस अध्याय के लिए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में परीक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो जैसे इस अध्याय में ही बताया गया, जैसे जैसे इंसान के गुण होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं, उसी प्रकार की चीजें उनको पसंद होती है, उसी प्रकार के भोजन उनको पसंद होते हैं, उसी प्रकार के यज्ञ करना वो पसंद करते हैं, उसी प्रकार की बातें करना पसंद करते हैं, तो उसी प्रकार की श्रद्धा भी उनकी होती है। जो लोग सतोगुण में होते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, जो लोग रजोगुण में होते हैं वो राक्षसों को और यक्षों को पूजते हैं, है ना, और जो तमोगुण में होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो लोग सतोगुण में होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, जो लोग रजोगुण में होते हैं वो थोड़े तीखे, खट्टे, मीठे, नमकीन और पेट के मतलब रोग पैदा करने वाले भोजन करते हैं, और जो लोग तामसिक होते हैं वे सब अधपका या 3 घंटे से पूर्व पका हुआ या ऐसा नॉन वेजिटेरियन इस तरह के भोजन वो करते हैं। तो उस प्रकार से यज्ञ भी अलग अलग तरह के होते हैं। जहाँ पे भगवान ने बताया कि अगर जो व्यक्ति किसी इच्छा के साथ अगर यज्ञ करता है तो राजसिक यज्ञ हो गया, बिना इच्छा के यज्ञ करता है सात्विक हो गया, और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यज्ञ करता है बिना किसी श्रद्धा के, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी बनाने के लिए कि हम भी यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे यज्ञ जो है तामसिक यज्ञ कहा जाता है ना। तो यहाँ पे बताया गया भगवान के द्वारा कि हमें जो भी काम करना चाहिए, है ना, बिना किसी इच्छा के करना चाहिए। एक उद्देश्य हमारा रहना चाहिए भगवत प्राप्ति, और एक ही लाभ होना चाहिए भगवत प्राप्ति और कुछ नहीं, और उसके अनुसार कोई इच्छा हमारे मन में रहनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे दान के विषय में भी बताया गया कि दान कैसा देना चाहिए, दान सात्विक कब होता है, जब हम बिना किसी इच्छा के योग्य व्यक्ति को योग काल में दान देते हैं तो वह दान सात्विक कहलाता है। राजसिक दान क्या है, हम इच्छा के साथ कोई भी चीज का दान देना वो राजसिक कहलाता है। तामसिक यानी अयोग्य व्यक्ति को अयोग समय में दान देना वो तामसिक दान कहलाता है। तो इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे ये भी हमने देखा किस प्रकार से हम ईश्वर प्रेम कर सकते हैं, किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमको भगवान कृष्ण के भावनामृत में हमेशा रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए। यही इस अध्याय का मूल मतलब है।
ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होगा। तो कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ 17.1 श्लोक में हुई थी। भगवान कृष्ण उत्तर तीन गुण के बारे में एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं, ये 17.2 में। तीन गुणों में खाद्य पदार्थ, इसके बारे में 17.8 से 10 में भगवान करते हैं। तीन गुणों में यज्ञ, 17.11 से 17.13। तीन तरह की तपस्या, 17.14 से 16 में करते हैं। तीन गुणों में तपस्या के प्रकार, 17.17 से 19 में करते हैं। तीन गुणों में दान, 17.20 से 22 में करते हैं। और ओम तत् सत यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च अर्पित करना चाहिए, तो 17.23 से 28 में भगवान करते हैं। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण शुभम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु, जैसे भगवद गीता में काफी चैप्टर्स में काम आया है, तो काम का मतलब हर जगह यही है, सेक्स रिलेटेड? प्रभु जी, काम का मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी के प्रति अट्रैक्ट होना है ना, और अगर आप कहें मतलब कि किसी के प्रति अनाशक्त होना, या काम का सिर्फ एक ही चीज मतलब नहीं होता। काम का मतलब किसी के प्रति किसी भी तरह से आसक्त होना, किसी चीज के प्रति आसक्त होना, है ना, चाहे किसी के भी प्रति हो। अगर हम किसी चीज के प्रति आसक्त होते हैं, किसी भोजन के प्रति आसक्त होते हैं, है ना, और उसके अलावा ऐसे कोई भी चीज जो कि हमें अट्रैक्शन पैदा करती है, वो सारी चीजें काम के अंदर आती है। यस प्रभु। और प्रभु, हमने 7.19 में हमने डिस्कस किया कि मतलब जो तामसिक लोग होते हैं, वो मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए पूजा वगैरह करते हैं, और उसमें एक पॉइंट ये था कि जो आत्म उत्पीड़न के लिए भी करते हैं, मतलब अपने आप को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वो कैसे? जैसे अनेक प्रकार की योग करते हैं, अपने सर को मिट्टी में डालते हैं, है ना, आपने देखा कई तरह से अलग अलग तरह के क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम बहुत बलशाली हैं, या ऐसा करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, या ऐसे लोग जो अपने शरीर को कष्ट देकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे तो श्रद्धा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका दम्भ और अहंकार ही है कि अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, हम भगवान की कितनी बड़ी भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग कभी भगवान की भक्ति नहीं करते, कभी भगवान को पा नहीं पाते, उल्टा अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर में रहने वाले परमात्मा को कष्ट देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यस प्रभु। एंड प्रभु, यहाँ पे हमने जैसे इस चैप्टर में भी हमने संतोष के बारे में लिखा, और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने संतोष के बारे में लिखा कि मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। लाइक आई वाज, मैं स्टूडेंट हूँ अभी, अगर मैं अभी सेटिस्फाइड हो जाऊँ तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं। लाइक आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आप जैसे अभी ऑफिस में काम करते हो, अगर आप भी एक जगह सेटिस्फाइड हो जाओ तो आपको प्रमोशन आगे मिलेगा ही नहीं, या फिर हो सकता है कि आप जॉब छोड़ दो। देखिए, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का मतलब आप थोड़ा सा मतलब अलग समझ लें। सेटिस्फेक्शन का मतलब या हमें मतलब कि जो भी हमारे पास है, सेटिस्फेक्शन का मतलब कि राइट नाउ मेरे पास जो भी है, है ना। लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास जो भी होता है, कि अगर मान लीजिए पड़ोसी का अगर ज्यादा उसके पास पैसा है, ज्यादा उसके पास कुछ है, तो हम उस चीज से जलते हैं, है ना, उस चीज से हमारी इच्छा होती है कि उसके पास इतना ज्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो उसके लिए जो है हम हमेशा दिमाग में टेंशन लिए घूमते हैं, हमेशा जलन करते रहते हैं, उससे जलते रहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है, ये चीजें हमको फॉलो नहीं करनी। हमेशा जो भी हमारे पास राइट नाउ भगवान ने दिया है, हमको राइट नाउ भगवान ने जो भी चीज हमको दी है, उस चीज में हमको करना चाहिए कि भगवान ने जो दिया है वो चीजें ठीक है, आगे हम अपना काम करेंगे, जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे हमको मिलेगा। काम करने से भगवान ने आपको नहीं रोका है, आपको सिर्फ इसलिए रोका है भगवान ने कि जो भी अभी आपके पास प्रेजेंट में है वो चीजों में आप संतोष रखिए, है ना, आगे आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, अगर भगवान की इच्छा होगी तो आपको और चीज मिलेगी। लेकिन जो भी आपके पास है, किसी को देख के जलना नहीं है, किसी को देख के कंपेयर नहीं करना, ये भगवान का यहाँ पे मतलब है संतोष का। यस प्रभु। एंड प्रभु, हमने डिस्कस किया था, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि 3 घंटे पहले हमें मतलब जो भी खाना बना होता हमें नहीं खाना चाहिए, दैट इज नोन एज तामसिक कहते हैं जी, जो भी अनहाइजीनिक हो। तो 3 घंटे पहले मान लो, जैसे आजकल का लाइफ स्टाइल आपको भी पता है, आप भी ऑफिस में जाते हो तो आप भी बेसिकली लंच वगैरह लेके जाते होंगे, तो वो लंच तो फिर मतलब मान लो आपके वाइफ ने 8 बजे बनाया है, ठीक है, और अब आपका लंच टाइम है 1 बजे, तो 3 घंटे से ऊपर हो गया।
जी प्रभु जी, चूंकि क्या है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, हम लोग 100% तो शास्त्रों को फॉलो कर भी नहीं सकते, ये भी एक बात है ना। लेकिन हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए कि हम कितना भी अगर फॉलो करें, है ना, क्योंकि अगर हम लंच ले भी जाते हैं तो ये बेसिकली किस लिए कहा गया, मैं आपको बताता हूँ। जो 3 घंटे के पूर्व पका हुआ, तो ये आपको मान लीजिए आपने पकाया और ऐसे ही रख दिया खुले में, है ना, खुले में रख दिया, बंद करके रख दिया, और 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद वो चीज आप खाओगे, ठंडा चीज खाओगे, तो वो चीजें सही नहीं है। लेकिन हम लोग जो टिफिन ले जाते हैं वो तो टिफिन में रहती है ना, कभी कभी हम लोग गर्म टिफिन ले जाते हैं तो चीजें गर्म रहती है, वैसे ही रहती है, या अगर हम फ्रिज में रख देते हैं कोई चीज तो वो चीजें वैसे ही रहती है। लेकिन ये तब कही गई थी जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, है ना, तो उस समय के अनुसार ये चीजें सही बैठती है। लेकिन आज के समय में हाँ, ये 100% फॉलो तो हम सबसे नहीं हो पाता, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं, अगर हम टिफिन ले जाते हैं तो वो चीजें गर्म रहती हैं, है ना, और अगर फ्रिज में कोई चीज रखते हैं वो चीजें वैसे ही रहती है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कोई भी चीज खुले में रखते हैं 3 से 4 घंटे में, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगी, उसमें जर्म्स आ जाएंगे, वो चीजें खाने में मना की गई है, अगर साइंटिफिक रीजन से अगर हम इसको देखें तो। यस प्रभु, प्रभु तत् का मतलब है दान करना, सत का मतलब क्या है? सत का मतलब आपको बताया क्या ना, कि सत का मतलब यानी शाश्वत। शाश्वत क्या? शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, जो भी हम काम करें हमेशा रहने वाला चीज है वो। ओम तत् सत का मतलब ही यही है, ओम यानी भगवान विष्णु को इंडिकेट करना, तत् यानी एक दान करना, एंड सत यानी आपका हमेशा रहने वाला। यस प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण योगेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसा कि आपने दान के बारे में बताया कि दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक, तो प्रभु जी हमें सात्विक ज्ञान मतलब उचित स्थान, व्यक्ति और समय को पहचान के देना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रभु जी, अगर हम सात्विक दान नहीं कर पाते हैं, सही व्यक्ति का चुनाव और स्थान नहीं कर पाते हैं, तो अगर गलत आदमी को दान देने से, गलत समय पे दान देने से पाप हमको लगेगा या जो ले रहा है उसको? देखिए प्रभु जी, अगर हम ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं ना जिसको, चूंकि सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अगर हम जिसको दान दें वो योग्य होना चाहिए ना, तो हम जिसको भी दान दें सबसे पहले तो थोड़ा उसके बारे में मालूम कर लें, या जिसको भी हम दान दे रहे हैं क्या वो इसके योग्य है, क्या उसके काबिल है, अगर ये सारी चीज हम देख लें। क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति को दान चला गया, मान लीजिए आपने किसी को दान दिया, उसने उससे जाके नशा किया या शराब पिया, इस तरह की चीजें की, या गलत काम किया, गलत चीजों में इन्वेस्ट किया, आपका पैसा जाके किसी गलत काम में लगा दिया, तो चूंकि आपको सब, क्योंकि अगर आप दान दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में मालूम तो होना चाहिए ना कि आप किसकी मदद कर रहे हैं, क्या उसको वास्तव में मदद की जरूरत है कि नहीं, क्या वो आपके पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा। अगर ऐसा ये सारी चीज आप देखेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो उसका कुछ पाप हमको भी पड़ता है, क्योंकि हमने उसकी पूरी तरीके से मतलब कि पूरी तरीके से पड़ताल नहीं की कि क्या वो दान की, जो हम दान दे रहे हैं, क्या उसकी सही में जरूरत है कि नहीं उसको। इसलिए हमें जो भी हम दान दें सबसे पहले तो देख ले कि क्या उस व्यक्ति को सही में जरूरत है कि नहीं है, ये सारी चीज हमें देखना चाहिए। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रॉब्लम है, मैं दूसरी बार ये कर रहा हूँ गीता वाला, ये जो अंडरस्टैंडिंग एटेंटेज वाला है जी। तो प्रभु जी, जब मैं क्विज के लिए लॉग इन करता हूँ तो मेरी वो पुराने वाला ही अकाउंट से होता है। तो आप लॉग मतलब कि सेम ईमेल आईडी, सेम पासवर्ड से यूज करते हैं आप जो पहले था आपका? हाँ, वही हमको लग रहा है, वही दिक्कत है, वही ईमेल आईडी बार बार डालने पे वो बोल रहा है कि इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप लॉग इन करिए ना प्रभु जी। लॉग इन करने पे वही पुराना वाला मेरा शो हो रहा है जो मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा क्या इशू आ रही, मैं देखता हूँ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है? तुषार प्रभु जी, डेडलाइन क्विज की क्या है कि जैसे कल चैप्टर 18 समाप्त हो जाएगा, तो वही 3 से 4 दिन समझिए 25 तारीख के पहले पहले आपको अपना क्विज कम्प्लीट कर देना है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो ये क्लास को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा।